आगे मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, इसी पांच टेंस के एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि छठे टेंस का एग्जाम्पल दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है कि इसी पांच टेंस के वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम ये जस्टिफाई कर सकेंगे कि अगर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। जैसे एक नियम हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, बहुत स्पष्ट छोटा सा नियम है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं पांचों टेंस से एक एक वाक्य। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का होना आवश्यक है इस प्रथम रूल के अनुसार, तो एग्जाम्पल हो रहा है ही स्क्वैंडर्स मनी। ही सिंगुलर है तो स्क्वैंडर्स, स्क्वैंडर वर्ब है, वर्ब का जो भीवन है वह स्क्वैंडर है, लेकिन इसका भी फाइव चूंकि ही जो हमारा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस नियम के अनुसार हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो स्क्वैंडर्स इस मेन वर्ब का भी फाइव है जो लगता है सिंपल प्रेजेंट में ही या शी के साथ। तो ही स्क्वैंडर्स मनी हम करेंगे तो नियम भी जस्टिफाइड हो गया, सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। फिर हम चल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही इज स्क्वैंडरिंग मनी। तीसरा एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट का आपके सामने होगा, ही हैज स्क्वैंडर्ड मनी। अब हैज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा। अब बाकी तो स्ट्रक्चर का डिमांड है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब आता है वो V3 फॉर्म में आता है, तो स्क्वैंडर्ड हो गया मनी। वहां एक शब्द है आखिर में जो हम सब में देते जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि ही हैज बिन स्क्वैंडरिंग मनी। यह भी हैज बिन भी सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, तो यहां भी वो नियम जस्टिफाइड हो रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं ही वॉज स्क्वैंडरिंग मनी। अब ही वॉज स्क्वैंडरिंग मनी में वॉज भी हेल्पिंग वर्ब है और वेयर भी है। वेयर चुके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, वो ही के साथ नहीं दिया जा सकता चूंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम ही के साथ वाज ही का प्रयोग करेंगे और उस तरह से हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। क्यों? कि यह जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने पांचों टेंस का एग्जाम्पल अपने सामने रखा और ये प्रमाणित कर दिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही देना होगा। अगर यह नियम कहीं आप तोड़ते हैं, इसको वायोलेट करते हैं, तो फिर वही एरर पैदा हो जाता है स्ट्रक्चर में। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब आपने प्लूरल दे दिया, तो इसका ध्यान रखना है। अगर इन नियमों के अनुकूल आप लिखते हैं या बोलते हैं या एग्जामिनेशंस के जो दिए गए क्वेश्चंस को आप ठीक से जज करते हैं नियम पर आधारित, तो वहां आप क्रैक करेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे तो करेक्ट लिखेंगे, बोलेंगे तो करेक्ट बोलेंगे, और यही तीन समस्याएं विद्यार्थियों के सामने हैं, लिखना, बोलना और कोई एग्जामिनेशन फेस करना, और तीनों समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर ठीक उसी तरह से। दूसरा नियम मैंने आपको चर्चा में शुरू में कहा था कि दूसरा नियम है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल रखना होगा। प्लूरल रखने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। अगर मेन वर्ब रखेंगे डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसी स्थिति में हमको प्लूरल वर्ब क्या होगा भाई, मेन वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं जिसका नाम है ग्रामर में V1, V2, V3, V4 एंड V5। भीवन को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ब के भीवन को प्लूरल ही माना जाता है।
किसी भी वर्ब के भी फाइव को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। बाकी बच गया ये तीन फॉर्म V2, V3 एंड V4, ये इसको नॉन फाइनाइट्स की श्रेणी में रखते हैं।